हाय गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ बेबी हक के एडवांस डायपर्स का रिव्यू शेयर किया था अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो चाहे चेकआउट कर लीजिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं लव लव के पर्ल्स आर ड्राइनेस वाले इन डाइपर्स का रिव्यू Uh, ये रिव्यू मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि दोनों ही मैं यूज़ कर चुकी थी तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं बताती हूँ आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और ये बेयर फेस मदर का फेस है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और जाके रिव्यू पे ध्यान दीजिए चलिए फटाफट फड़ से रिव्यू में चलते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ ये लव लैब के डायपर्स का रिव्यू करने वाली हूँ ये ट्वेल ट्वेल्व आवर्स प्रोटेक्शन देता है सो मैंने थर्टी सिक्स वाला पैक मंगाया है मीडियम साइज है सात से बारह के जी के लिए आ, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है इससे पहले मैं बेबी हक की यूज़ करती थी एडवांस वाले डायपर्स तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है वो वीडियो तो जाकर चेकआउट कीजिए इसमें सॉफ्ट कम्फर्टेबल है एलोवेरा है एंटी रैश ये क्लेम करता है और इसमें एक्सल साइज़ यानी बारह से सत्रह के तक का भी आपको मिलता है कॉटन सॉफ्ट है डाइपर निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्राइस कुछ अराउंड फाइव थर्ट ट्वेंटी नाइन लिखा हुआ है लेकिन ये तीन सौ के अराउंड मुझे तीन थ्री ट्वेंटी नाइन रुपीज़ के अराउंड मुझे ये मिला है यहाँ पे मैं आपको डायपर दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके का डायपर है जिसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है बैक एंड फ्रंट साइज़ लिखा हुआ है आ, इलास्टिक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है काफ़ी सॉफ्ट इलास्टिक है तो ऊपर की तरफ तो रैश नहीं आता है लेकिन ये भरने के बाद ना कलर चेंज नहीं करता है साइड से भी आपको यहाँ पे काफ़ी कम्फर्टेबल मिल जाता है जब भी बच्चे को आपको डायपर पहनाना है तो आपको इसे जो है एडजस्ट करना पड़ता है जो अंदर की तरफ रहती है नहीं तो डायपर लीक हो जाते हैं काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है काफ़ी अच्छा मटेरियल है आ, बोलता है कि ये इसमें एलोवेरा है और बच्चे को रैशेज़ नहीं होते हैं अंदर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लेन है इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं बना हुआ है और हल्का फुल्का डिज़ाइन है मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे आ, अगर मैं बच अपनी बेटी को इसे पहनाती हूँ जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस लास्ट एक मंथ में उसे लूज़ मोशंस थे मैंने एडवांस वाला इसलिए नहीं मंगाया था क्योंकि इसमें बड़ा पैक अवेलेबल था सेवनटी सिक्स वाला छोटे वाला नहीं था और थोड़े दिन में मुझे जो है ट्रैवल करना था और मुझे यहाँ पर एक डेढ़ महीने के लिए नहीं होना था मैं अपने होम टाउन के लिए ट्रैवल कर रही थी तो मैंने इसीलिए ये इसमें लव लैब के बारे में मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे देखने को मिले थे तो मैंने इसलिए इसे ऑर्डर किया लेकिन अगर, अगर लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो मेरी बेटी को उस टाइम पे लूज़ मोशंस हो गए थे जनरली मैं अपनी बेटी को फुल टाइम डाइपर्स में नहीं रखती लेकिन अगर मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तीन चार दिन के लिए तब मैं उसे फुल टाइम डाइपर्स में रखती हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है मोशंस नहीं करती है। वो दिन में एक बार ही मोशंस करती थी तो इसीलिए आज तक कभी मुझे दूसरे डायपर्स में ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली आ, लेकिन यहाँ पर जब मैंने उसे ये पहनाया था और उस टाइम पे उसे एसिडिक मोशंस हो रहे थे क्योंकि उसको हमने एनिमल मिल्क पे स्विच किया था जो कि उसे एलर्जी हो गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि एसिडिक मोशन्स हो रहे हैं तो इसी वजह से उसको रैशेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हुए इवन डाइपर रैश क्रीम लगाने के बावजूद भी उसकी स्किन पूरी रेड थी क्योंकि मैंने लगातार उसे फाइव डेज डाइपर पहनाया था इवन वो जो रहते हैं ना कि पंद्रह से बीस मिनट आपको फ्री छोड़ना एंड देन उसके बाद पहनाना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोशन लूज़ मोशन्स कर रही थी तो इस वजह से मुझे उसे परमानेंटली डाइपर पहनाना पड़ा था तो उस वजह से उसे रैशेज हो गए तो मुझे लगा शायद डाइपर की वजह से हैं और मेरे पास दूसरे डायपर्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे तो इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है अभी मैं उसे पहना रही हूँ अभी मुझे उसको कभी भी रैशेज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है एक वीक हो चुका है तो अभी तक तो सोफ और सो गुड है लेकिन बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी नहीं हूँ इसके साथ क्योंकि ये बहुत जल्दी भर भी जाता है और हैवीनेस भी फील होती है इसको यूज़ करने के बाद तो मुझे ये सोसो -सो लगा बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़िया वाला मुझे नहीं लगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी लेकिन बहुत मतलब रात के टाइम बच्चे को बड़े प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि रात के टाइम ना मुझे बच्चे की नींद डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता और उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं है तो ठीक है सो, सो है अगर आपने ये यूज़ किया हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बस ज़रूर बताना और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है तो ये था मेरा एक्सपीरियंस आई होप आपको पसंद आया होगा अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो टैग प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी आप चेकआउट कर लेना वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो अभी न्यू न्यू मोमी बनी है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी बाकी मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग